हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम रीसेंट की ही एक न्यूज़ अपडेट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। फ्रेंड्स, हाल में ही भारत ने ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप को ज्वाइन किया हुआ है। भारत इसके चैंपियंस ग्रुप का 7th मेंबर बनकर शामिल हुआ है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव यानी कि यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा इस GCRG ग्रुप में चैंपियन मेंबर बनने के लिए अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को एक इनविटेशन भेजा गया था, जिसे मोदी जी ने स्वीकार किया और भारत भी इस ग्रुप का मेंबर बन गया। इस सब की जानकारी विदेश मंत्रालय की ओर से दी गई है। फ्रेंड्स, इस ग्रुप की स्थापना पिछले साल मार्च 2022 में यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल यानी कि एंटोनियो गुटेरेस के द्वारा की गई थी। इसका मेन एम है कि जो अर्जेंट और क्रिटिकल ग्लोबल इशूज हैं, जैसे कि फूड सिक्योरिटी, एनर्जी और फाइनेंस, उन्हें कैसे एड्रेस किया जाए और उसके लिए कैसे एक ग्लोबल रिस्पॉन्स और कोऑर्डिनेशन क्रिएट किया जाए। और इस GCRG ग्रुप की देखरेख चैंपियंस ग्रुप के HOS यानी कि हेड ऑफ स्टेट और HOGs यानी कि हेड ऑफ गवर्नमेंट्स के द्वारा की जाती है। भारत का इस ग्रुप में शामिल होने का डिसीजन शो करता है भारत की बढ़ती ग्लोबल लीडरशिप और भारत के ग्लोबली चैलेंज को एड्रेस करने की कमिटमेंट की। भारत की इस भागीदारी से दुनिया, विशेषकर की विकासशील देशों को प्रभावित करने वाले जो डेवलपमेंटल इश्यूज हैं, उस पर रिजल्ट ओरिएंटेड सॉल्यूशन ढूंढने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को और ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। इस न्यूज़ अपडेट से जुड़ा एक और फैक्ट याद रखिएगा, विदेश मंत्रालय के सचिव संजय वर्मा को GCRG प्रक्रिया के लिए शेरपा के रूप में नामित किया गया है। शेरपा संजय वर्मा आज तो वर्चुअली रूप से इसमें मिलेंगे, लेकिन चैंपियंस ग्रुप की बैठक 21 जुलाई 2023 को निर्धारित की गई है। फ्रेंड्स, अगर इस ग्रुप को थोड़ा और अच्छे से देखें यानी कि ग्लोबल क्राइसिस रिस्पॉन्स ग्रुप GCRG ग्रुप, तो ये बना था पिछले साल मार्च 2022 में और जिसे बनाया था एंटोनियो गुटेरेस ने और वो इसके चेयरपर्सन भी हैं। इसका मेन मोटिव है जो सरकार और आम आदमी यूक्रेन वॉर के कारण आज भी इकोनॉमिक क्राइसिस जैसे कि फूड, फाइनेंस और एनर्जी को झेल रहे हैं, तो UN ने एक एनर्जी पॉलिसी मैसेज बनाया हुआ है जिससे कि इन सब की ग्लोबल नीड और अर्जेंसी को एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट से लिंक किया जा सके। और इस ग्रुप को देखरेख करने के लिए जो चैंपियंस ग्रुप बनाया गया था 6 मेंबर कंट्रीज़ का, उसमें 7वां मेंबर भारत भी शामिल हो गया है। ये सारी कंट्रीज़ इमीडिएट रिस्पॉन्स और ग्लोबल चैलेंज को एड्रेस करने में हेल्प करेंगी। फ्रेंड्स, देखा जाए तो पिछले कुछ समय से इंडिया एक ग्लोबल हेल्प के रोल मॉडल के तौर पर निकल कर सामने आया है, तो इसके चलते इस चैंपियंस ग्रुप में भारत को भी शामिल किया गया है। फ्रेंड्स, इस ग्रुप के जो 6 पहले के चैंपियंस मेंबर कंट्रीज थे वो थे बांग्लादेश, बारबाडोस, डेनमार्क, जर्मनी, इंडोनेशिया और सेनेगल। अब भारत भी इसका 7th चैंपियन मेंबर कंट्री बन गया है। फ्रेंड्स, देखा जाए तो इसमें 32 अदर मेंबर्स भी हैं जो इसकी वर्किंग में हेल्प करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी सारी इन्फॉर्मेशन इस न्यूज़ अपडेट से रिलेटेड। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।